क्या किसी के छोटे से घर का बिजली का बिल 73 लाख रुपए आ सकता है, वो भी सिर्फ एक महीने का? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ये सच हुआ है यूपी के हापुड़ में। यहाँ एक मजदूर के घर का 30 दिन का बिजली का बिल 73,47,000 रुपए आया है, जबकि इनके घर में पंखे और बल्ब के अलावा कोई भी बिजली का सामान नहीं है। इस बिल को देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। मैं गड़बड़ कर रखा जी, हमारा बिल वो बहुत ज्यादा भेज रखा है जी, 73 लाख, मतलब 73.5 लाख का बिल भेज रखा है जी। बताओ गरीब आदमी हम कहाँ से जमा करेंगे इसे? हमारा आदमी मजदूरी करते हैं, हलवाई की कारीगर, मतलब मजदूरी पर जाते हैं जी। अब इस बिल को हम कैसे जमा करें ये बताओ। बिल एक महीने का है जी, पिछले महीने मैंने बिल फाइनल करा था जी, और मकान में काम हो रहा है, मकान में हम किराए पे रहे हैं, हमने 2 महीने 3 महीने हमने किराए पे भी किराया दिया है, वहीं बिल भी दिया है, तो यहाँ जब हम रहे नहीं तो हमारा बिल कहाँ से बना? रीडिंग कहाँ से बनेंगी हमारी? ज़्यादा घर में कुछ नहीं चलता, ये छोटी छोटी लाइटें लगा रखी हैं, इनमें बहुत कम लाइट फूकती है, उसमें भी एक आध जला ली, नहीं जला ली। इस परिवार ने नवंबर महीने में 1400 रुपए का बिजली का बिल भरा था। अब सवाल ये है कि सिर्फ 2 कमरों के घर में रहने वाला ये परिवार कैसे 30 दिन में 73 लाख की बिजली यूज कर सकता है? यूपी के बिजली विभाग की लापरवाही की सजा भुगत रहे इस परिवार का कहना है कि पिछले 2 दिन से बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी अभी तक बिल सही नहीं हुआ है, जबकि बिजली विभाग के अधिकारी घर का सर्वे करने की बात कह रहे हैं। बिल 73.5 लाख रुपए का आया जी, पिछली बार 1400 रुपए जमा कराए थे, उसके बाद आया अभी, जबकि हम 2-3 महीने से मकान में नहीं है, मकान बना हमारा, तो कहाँ से इतनी रीडिंग हो गई? हाँ जी, जेई के पास गए थे कल हाईडील में, उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे घर आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है। बिजली विभाग की गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई दफा बिजली विभाग इसी तरह से करोड़ों रुपए के बिल उपभोक्ताओं को थमा चुका है।